What's the next move? शत्रु को फोन दे भाई। फोन है। डिस्टर्ब मत कर। बोला कुछ अर्जेंट है। अभी आता हूं डार्लिंग। बोल आज तारीख क्या है? मैं क्या कैलेंडर हूं जो तारीख बताऊं? पहले ये बता तू कौन है? जो सवाल किया उसका जवाब दे बे। इतना गुस्सा? मैं डर गया और डर के मारे तो मैं कांप रहा हूं भाई। आज 10 तारीख है भाई साहब। आने वाली पहली तारीख को तो निकल लेगा इस दुनिया से। हे म्यूजिक ऑफ। हे मोहना देख ये क्या बोल रहा है। कह रहा है कि आने वाली 1 तारीख को मैं निकल लूंगा। एक मिनट और बताना मजा आ रहा है। 15 तारीख को तेरा खौफ से तारुफ कराऊंगा। 20 तारीख तक लोग जान जाएंगे कि सत्या का साम्राज्य खत्म करने वाला कोई आ गया। 25 तारीख तक लोगों के दिमाग में से तेरी दहशत खत्म हो जाएगी और पहली को होगा तेरा पैका। तू है कौन? मास। ए मोना, किसी मास का फोन था। कभी 15 कह रहा था, कभी 20 कह रहा था, पता नहीं क्या क्या गिनवा रहा था। नशे में होगा। हाँ, सही कह रही हो। ए म्यूजिक चालू करो। क्या कर रहा है भाई? भाई रोक। मार डालेंगे। क्यों रे? तो सत्या भाई के आदमी को रोकेगा? ए चलो रे, चलो सब लोग काम करो अपना। चले। हाँ हाँ भाई। थोड़ा वक्त का तकाजा था इसलिए संभाल अपनी गर्लफ्रेंड को। और 2 के बारे में डॉक्टर ने जवाब दे दिया है बाबू जी। इनके मरने से पहले वो मरेगा जिसने इन्हें मारा है। जहां उसका पता लगा जी। 30 गेन के पैसे तो मैंने दारू में उड़ा दिए। क्या करूं? ये नेगेटिव भी चल जाएगा। उसको क्या मालूम सिटी स्कैन किस चिड़िया का नाम है। इसमें अपनी दवा मिला देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। ये क्या ग्लूकोस यहीं पे चढ़ा रहे हो? अरे भाई आप हॉस्पिटल में बेड अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टर ने कहा कि ग्लूकोस चढ़ाना है। मैंने कहा मुझे ही दे दो, मैं ही चढ़ा लेता हूँ। लेकिन ग्लूकोस तो नस से चढ़ाया जाता है, तुम मुंह से चढ़ा रहा है। भाई तुम तो अपने आप तुमसे क्या छुपाओ, ये मेरा वाला ग्लूकोस है, इसे ऐसे ही लेना पड़ता है। इस छोटी सी उम्र में तुम क्या क्या काम उठा रहे हो? ना रो। सिटी स्कैन करवाया? हाँ करवा लिया। अरे ये तो एकदम खाली है। मुझ में भी कहा कुछ बचा है भाई। डॉक्टर ने क्या कहा? कि मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे बस दिवाली तक की मोहलत दे दो। दिवाली तुझे इतनी पसंद है? हाँ जी। सुबह सुबह उठकर नारंगी जूस पीकर चकाचक कपड़े पहनकर तुम जैसे महान इंसान के पाए लागू करना है। फिर 1 किलो मावा बर्फी खाकर 2 रॉकेट जलाना चाहता हूँ। 1 रॉकेट चांद पर जाएगा और दूसरा मंगल ग्रह पर जाएगा। बस इतना सही ख्वाब है मेरा। उस रात को एक ग्रैंड पार्टी मनाकर अगली सुबह
आप सबसे रुखसत ले लूंगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं इन सब चीजों का अभी इंतजाम करता हूँ। अपना ख्याल रखना। कहीं जाना मत, यही रहना यही। क्या जमाना आ गया है, कितना मासूम गुंडा है। कुछ पता चला किसने मारा उन्हें? नहीं भाई, पापा को भनक हो गई तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, पता करो। ठीक है। हेलो, मास बोल रहा हूँ। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? लगता है तेरी जान हलक में आ गई। मैंने कहा था ना, 15 तारीख को खौफ से तारुफ कराऊंगा, यानी डर से इंट्रोडक्शन। अब तू मेरी बात गौर से सुन, कान खोल के। ए थकेले, ऊपर का टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, अच्छी खासी फाड़ूंगा तेरी। सुना शहर का बहुत बड़ा तुर्रम है तू। थकेला? इस वक्त मैं इसी शहर में हूं बे। पिछवाड़े में जितनी ताकत है लगा के ढूंढने की कोशिश कर ले, मुझे बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है मेरा। तेरी खामोशी बता रही कि तेरी जिंदगी का चिराग बुझने लगा है। 20 तारीख तक तेरी नकली रियासत खत्म हो जाएगी। क्यों, तेरे गुर्गों को कुत्ते की मौत मार के सड़क पर किसने फेंका यही सोच रहा है ना? वो भी हम ही थे। 1 तारीख को तेरी मौत का पैगाम लेकर तेरा बाप तेरे सामने आएगा। नाम याद रखना, मांस। बचा सकता है तो बचा ले खुद को। मैंने कुछ सुना, वो गैस का बाटला फटने की आवाज थी। ठीक है ठीक है भाई, अब उनको तो लगता ही अपने कोई पुराने दुश्मन का काम है। अब तक अपने 6 छोकरे मारेंगे, घर के बाहर बम भी फटा है। भाई कमिश्नर या मिनिस्टर से बात कर लो। सुन बे भाई, वो सब हमारे पास आते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम उनके पास प्रोटेक्शन के लिए गए तो हमारी पावर का क्या होगा? भाई आपके डैड को बता दो, ये छोटे मोटे मामले मुझे ही निपटाने होंगे। अब जो कहता हूं वो कर। पता लगा ये मास है कौन। ए, अभी अभी यहां से किसने फोन किया था? पता नहीं भाई, बहुत से लोग आते रहते हैं। बोल बाबू। पब्लिक बूथ से कॉल आया था भाई। घर वाले कह रहे हैं कि अपाहिज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, एक अमीर घर का रिश्ता है, उससे शादी कर लो। वो लोग समझना ही नहीं चाहते, इसलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों खुदकुशी कर लेते हैं। साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। बहुत अच्छे, दोनों की सोच तो बहुत अच्छी। कैसे मरना है कुछ सोचा है? पटरी के ऊपर लेट के या पंखे से लटक के? खुदकुशी करने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। हौसला अच्छी बातों के लिए बुलंद करोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकोगे। मीना का अगर पैर सही हो तब तुम्हारे घरवालों को कोई मसला नहीं होगा। नहीं तो समझ लो इसका पैर ठीक हो गया, इसकी जिम्मेदारी मेरी। और फालतू बातें सोचने की जरूरत नहीं है। अरे अब तो हंस दे। और भाई क्या हाल है तुम्हारा? हाँ तू और मेरे भाई धंधा पानी कैसा चल रहा है? एक घर में चोरी करने गया, सोचा बहुत माल मिलेगा, जाके देखा तो सिर्फ 750 रुपए थे। ऊपर से पकड़ा गया और 7.5 दिन की जेल भी हुई। पर जेल के अंदर खाना बहुत मस्त था। 750 के लिए तू जेल चला गया अपने इस भेजे में? कभी कभी मेरी तरह दिमाग भी इस्तेमाल किया कर यार। एक मुर्गा है, मतलब कि बकरा है यार, उसको जितना बनाता उससे ज्यादा बन जाता है। 6 फुट का सांड है, यहाँ चेहरे पे किसी ने चाकू से लाइन खींच दी है। उसका नाम चमन चीरा है, झूठ बोलने पर चाकू घोप कर चीर देता है। वैसे तो वो बहुत बड़ा शाणा है, लेकिन उसको क्या मालूम मैं तो शाणों का शाणा हूँ। मानता है ना अपने भाई को? मैंने कहा कि मुझे कैंसर है और मैंने खांस दिया तो 2 बोतल का जुगाड़ हो गया, उसके दिमाग में तो भूसा भरा है। अरे रुकना, अभी और भी बाकी है। पता है कल भी आया था, मैंने कहा मुझे दिवाली के लिए मिठाई और पटाखे चाहिए तो वो मान गया और वही लेने के लिए गया है। पता है कितना बड़ा बददिमाग है वो। और क्या? अच्छा सुन, अब जब वो वापस आएगा ना
तो उसे कहूंगा भाई मुझे 3 BHK विद बालकनी का फ्लैट दिलवा दो। करूंगा तो वो भी दिलवा देगा वो बेवकूफ, ऊपर का माला खाली है उसका। ताड़ के झाड़ जितना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी मेरी बातें सुनकर बच्चों की तरह रोता रहता है। और जानता है उसके साथ 4 जोकर भी होते हैं और वो सब भी लंबे चौड़े करके रोते रहते हैं। सब के सब अकल भेज कर मैंने जिस भले इंसान के बारे में कहा था ना वो यही है। कैसे हैं आप? अरे नहीं छोड़ दो मुझे। इंस्पेक्टर 5:30 मर्डर करने वाला चमन चीरा बोल रहा हूँ और आज मैं अपना 6:30 मर्डर करने जा रहा हूँ। क्यों रे, तो आखिरी दीदार मेरा ही करना चाहता था ना, तो कर ले।